टोक्यो में होने वाले 2021 ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए देशवासियों द्वारा शुभकामनाएं भेजने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की मौजूदगी में स्वर सागर संस्थान की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर शुभकामना संदेश भेजा गया। इस मौके पर संस्थान के सदस्यों और स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों को शुभकामना संदेश भेजने के साथ अधिक से अधिक मेडल लाने का संदेश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के अध्यक्ष सुनीशा श्रीवास्तव ने कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग बना रहे थे ना? जी, मेरा नाम सुनीशा है, अध्यक्ष स्वर सागर संस्था। ये जो ओलंपिक में हमारे भारत देश से जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको शुभकामना संदेश हम लोगों ने दिया है स्वर सागर संस्था के माध्यम से, और कमिश्नर सर के द्वारा हम लोगों ने उसे भेजा है, उसे एक शुभकामना संदेश हम लोगों ने उन्हें दिया है और कि वहाँ तक हमारी पहुँच जो शुभकामना है वो पहुँच जाए। और इसके लिए हमारी संस्था के सारे लोग रहे और शहर के भी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ रहे, इसमें तमाम खिलाड़ी, वकील, पत्रकार और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सभी लोग थे। यहाँ पे एक मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके माध्यम से हम लोगों ने ये सम्मान दिया है।